Morning, my friends. My name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info by Ravi. Today, my topic is work permit in Singapore. आज का जो topic है बहुत ही important है. काफ़ी queries आई कि सर work permit के ऊपर video बनाए. मुझे construction में job लेनी है, मुझे hotels में job लेनी है, restaurant में job लेनी है. तो उस topic को आज cover करने के लिए मैं एक ये video बना रहा हूँ. So, मेरी आपसे एक छोटी सी request है, अगर आप इस channel पर नए आए हैं, please like, share, subscribe the channel और ये video अपने दोस्तों या family group में share कर दो, ताकि सभी को सभी सही जगह पर information मिल जाए, ताकि वो सिंगापुर की जो जॉब लेना चाहते हैं या वर्क परमिट लेना चाहते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वर्क परमिट इन सिंगापुर. वर्क परमिट, पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब करूँ कि वर्क परमिट किस किस इंडस्ट्री में है, कि रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री में वर्क परमिट इंडियंस के लिए है या नहीं, और कंस्ट्रक्शन में इंडियंस के लिए वर्क परमिट अवेलेबल है. सो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिस्कस करूँगा. थोड़ी वीडियो लंबी होगी, प्लीज़ स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको पता लगे कि मैं वर्क परमिट पर काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, होटल्स में काम कर सकता हूँ या नहीं काम कर सकता हूँ. सो पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ. सिंगापुर की जो लॉज है वर्क परमिट के ऊपर, वो और अदर कंट्री से वेरी डिफरेंट होता है. इधर जो वर्क परमिट की कैटेगरीज तीन में बांटा हुआ है उन्होंने वर्क परमिट को, अपने स्किल्स, नॉन स्किल्स और सम सेमी स्किल जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट पास, हाईली प्रोफेशनल्स, एस पास, सेमी स्किल्ड एंड वर्क परमिट. सो वर्क परमिट में भी दो आते हैं, अनस्किल्ड एंड स्किल लेबर्स. सो जो कंस्ट्रक्शन जॉब है ओनली इंडियंस के लिए, उसमें वर्क परमिट भी है आपके पास, एस पास भी है और एम्प्लॉयमेंट पास भी है. इन तीनों को डिफाइन कराए सैलरी के बेसिस से, प्लस आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से. सो इंडियंस को अगर वर्क परमिट चाहिए कंस्ट्रक्शन जॉब्स में, वर्क परमिट भी है, एस पास भी है और एम्प्लॉयमेंट पास भी है. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर आपके पास पासपोर्ट ओनली है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, 10th की एजुकेशन ही है आपके पास और 12th की है, और आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है, आप वर्क परमिट कंस्ट्रक्शन फील्ड में कर सकते हैं. वर्क परमिट की जो सैलरी होती है $18 से $20 होती है पर डे के हिसाब से. 5 डेज़ काम करना होता है, OT एक्स्ट्रा टाइम करके आपका जो सैलरी जो बनता है वो $800 से $900 या $1000 आपका वर्क परमिट में कंस्ट्रक्शन जॉब में मिल जाता है. अब कंस्ट्रक्शन जॉब में भी काफ़ी कैटेगरी है. मैं आने वाले समय में अगर आपको कुछ पूछना है किस तरह की जॉब्स होती है, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा. और दूसरा जो होता है एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास, लाइक कोई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर्स है, कोई मास्टर्स ने किसी में मास्टर्स कर रखी है, कोई डिज़ाइनर है, कोई सिविल इंजीनियर्स को आर्किटेक्ट है, उसको एम्प्लॉयमेंट पास और एस पास. किसी को ऑटो कैड आता है कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में जॉब करने के लिए, तो उसको एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाता है. अब हम दूसरी बात करते हैं कि वर्क परमिट इन होटल्स और जॉब्स में, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है. काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर मुझे रेस्टोरेंट में, होटल्स में कोई कुकिंग की जॉब दिला दो, वेटर की जॉब दिला दो, क्लीनर की जॉब दिला दो, कोई मेंटेनेंस की जॉब दिला दो. तो मैं बताता हूँ, जो इंडियंस के लिए वर्क परमिट अवेलेबल नहीं है, होटल्स के लिए वर्क परमिट जो बता रहा हूँ, होटल्स, रेस्टोरेंट, सर्विस इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, अगर आप किसी शॉप में कैशियर के लिए या स्टोर मैन के लिए जॉब ढूंढेंगे तो उसमें वर्क परमिट नहीं है, आपको एस पास की कैटेगरी में आना पड़ेगा. उसके लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं तो आपको 1 ईयर का डिप्लोमा या 1 ईयर 3 ईयर की डिग्री होनी मस्ट है, और उसके हिसाब से आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, कुकिंग की मिलेगी, वेटर्स की मिलेगी. अगर आप कैशियर के लिए एलिजिबल हैं, आपने रिटेल मैनेजमेंट 1 या 1.5 साल का कर रखा है, आपको कैशियर का भी चांस में, वो एस पास की कैटेगरी में आते हैं, वर्क परमिट में नहीं आते हैं. सो प्लीज़ पहले आप ये थोड़ा सा क्लियर कर लो कि वर्क परमिट होटल्स लाइन में सर्विस इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, इंडियंस के लिए नहीं है. इंडियंस के लिए अगर ये काम आपको करना है, आपको एस पास की कैटेगरी लेनी पड़ेगी, और इसके लेने के लिए आपको डिग्री या डिप्लोमा बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो ये दो चीज़ें आपको बहुत क्लियर होगी. वर्क परमिट आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में मिल जाएगा, लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें आपको वर्क परमिट इंडियंस के लिए नहीं है, आपको एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास मिल सकता है. अगर आपका डिप्लोमा है, 1.5 ईयर का कुछ एक्सपीरियंस है, आपको एस पास मिल सकता है, और आपके उसके हिसाब से आपको जॉब मिल सकती है, प्लस सैलरी आपकी डिफाइन होगी. सो वर्क परमिट आपको क्लियर हो गया. अब जो एक बात बता दें, प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ आपको वर्क परमिट मिल सकता है, लेकिन जैसे एग्जांपल है, आपको कोई वेल्डिंग का काम आता है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपको वर्क परमिट उसमें मिल सकता है, क्योंकि ये जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, ये प्रोडक्शन में आते हैं और कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हैं. आप MOM की वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं. मेरे को काफ़ी सवाल आते हैं कि सर रेस्टोरेंट में मुझे कुकिंग की जॉब वर्क परमिट दिला दो. कुकिंग की जॉब अगर आपका एक्सपीरियंस है, प्लस आपको डिप्लोमा या डिग्री
डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है आपको सिंगापुर में जॉब एस पास नहीं मिलेगा, और वर्क परमिट तो इंडियंस के लिए इसमें वर्क परमिट है ही नहीं, ये पूरा क्लियर है, आप उसमें जाके दे सकते। अगर आपको सीनियर वेटर की ज़रूरत है तो भी आपको सर्विस F&B का, फूड एंड बेवरेज सर्विस का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना, तब जाके आपको वर्क एस पास मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। सो मेरे को आप कैसी लगी ये वीडियो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि काफ़ी जो इंडियंस हैं, जो मेरे इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है उनको कॉन्सेप्ट कि मुझे वो सीधा बोलते सर वर्क परमिट होटल्स में है। सो मैं बता रहा हूँ जो सर्विस इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें वर्क परमिट इंडियंस के लिए नहीं है, ओनली फॉर एस पास। और जो एस पास लेना है उसमें आपको आपको डिग्री या डिप्लोमा प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको इसमें जॉब मिलेगी, ठीक है। और वर्क परमिट एस पास और एम्प्लॉयमेंट एक कैटेगरीज है। वर्क परमिट ओनली लो लेवल होता है जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉब में मिलेगी, आपकी 18 से 20 डॉलर होगी, फ्रेश में भी होता है, और इसके आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलती रहती है। सो मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।